देखें कभी घर को देखें आपके घर में कितनी आपको। तो आज भी मैं आप सबके लिए हिंदी ओल्ड सॉन्ग के ऊपर सिंपल इफेक्ट लगा के जो है स्टेटस वीडियो लेके आ गया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज का प्रीव्यू तो आप सबने देख ही लिया है, अगर आप सबको भी कुछ इस प्रकार से स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को एकदम आप अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल के इस वीडियो को एकदम थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ एकदम थोड़ा सा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ फ्रेंड्स वीडियो, आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए। मैं एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एकदम आसान तरीके से आप सबको समझा दूंगा कि इस तरीके का आप स्टेटस वीडियो कैसे एडिटिंग करोगे। तो चलिए हम लोग फटाफट बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको भी आप ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो लाइट मोशन ऐप जो है आप सबको इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास लाइट मोशन ऐप पहले से है तो आप उसे ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। न्यू वर्जन 5.0 का आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका ओपन होके आएगा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा, आपको यहां पे प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देना है, आपको यहां पे बीट मार्क एंड इफेक्ट आपको ये दो प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको इन दोनों प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट कहाँ से करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इम्पोर्ट कर लीजिएगा। अगर आप सबको इम्पोर्ट करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को सबसे फर्स्ट में आप देख लीजिए, आपको इम्पोर्ट करना आ जाएगा। फिर आप बीट मार्क को सबसे फर्स्ट में ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल के आएगा। देख सकते हो दोस्तों इफेक्ट मैंने पहले से यहाँ पे पहले से लगा के रखा है ये इफेक्ट सब। ओके तो ये इफेक्ट मैंने कैसे बनाया इसके ऊपर भी आप सबको अगर फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप सब मेरे को कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो जरूर से जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों अभी आप सबको फर्स्ट तरफ आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको कोई सा भी एक फोटो ले लेना है। अगर आप सबको ये फोटो चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं ये फोटो दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ऊपर में स्थिर डॉट आप क्लिक करोगे, फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में नीचे, वहाँ पे क्लिक करके तीन नंबर पे क्लिक करके दो तीन पॉइंट आप जूम कर लीजिए ताकि एक दो पॉइंट हिलने से भी फोटो में कोई दिक्कत ना बने। फिर फोटो के एकदम लास्ट तक आ जाएंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो का लेयर एकदम पूरे लास्ट तक कर देंगे। फिर आपको एक पीएनजी का लिंक, आप सबको मैंने कुछ दिन पहले इस पीएनजी का मैंने यूज़ किया था, ये पीएनजी मैं आप सबको दे दूंगा, आपको मैं कहाँ बोलते हैं फ्रेंड्स, मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हो। मेरा कौन सा फोल्डर में मेरे को ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रहा फ्रेंड्स, तो मेरे पास मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, तो ये मेरे को मिल चुका है। ये टेम्पलेट मैं आप सबको दे दूंगा, सॉरी टेम्पलेट बोल रहा हूँ, ये पीएनजी ये मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको इसे लेने के बाद आपको ब्लाइंडिंग एंड ओपासिटी पे आके लाइट एंड पैक स्क्रीन पे इनेबल कर देना है। ओके फिर आपको इसका लेयर भी लास्ट तक कर देना है, फोटो पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा, फोटो एकदम नीचे आपको इस प्रकार से आपको कर देना है। कहाँ तक करना है मैं आप सबको बता देता हूँ, फोटो एकदम सॉन्ग के ऊपर रख देना है कुछ इस प्रकार से। फिर आप ऊपर चले जाओगे, फिर आपको जो पीएनजी रहेगा पीएनजी को भी इस प्रकार से आपको नीचे कर देना होगा। कहाँ तक करना होगा, फोटो के जस्ट ऊपर आप रख दीजिएगा, फोटो पे सॉरी इस पे पीएनजी पे क्लिक कीजिएगा और इसे इस प्रकार से कर दीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पे पीएनजी पे शेडो पड़ रहा है, तो आपको इससे आपको आप चाहो तो ऊपर भी इस प्रकार से रख सकते हो जैसा मैंने आपको पहले से बता के रखा था। तो अभी देखोगे आपको पीएनजी भी लग गया, तो अभी एक बार आप क्या करोगे, सिंपली एक बार आप यहाँ से बैक चले जाओगे, जो मैं इफेक्ट का प्रोजेक्ट आपको दिया रहूँगा यहाँ पे आ जाना है, फोटो पे क्लिक करोगे, इफेक्ट्स पे क्लिक करके विग्नेट का इफेक्ट आपको कॉपी कर लेना है। फिर आपको बीट मार्क पर रिटर्न आ जाना है, फिर जो आपका फोटो रहेगा आपको सिंपली फोटो पे क्लिक करना है, फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट्स आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना होगा कुछ इस प्रकार से, सॉरी हाँ फोटो पे इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे हो गया है, अभी आपको क्या करना होगा, सिंपली एक टेम्पलेट का लिंक आप सबको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से मेरे टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये टेम्पलेट है मेरे पास, तो टेम्पलेट को प्लस पे करके आप यहाँ पे ले लीजिएगा। उसके बाद आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना है, इसका जो स्पीकर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके इसका ऑडियो म्यूट कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे ब्लाइंडिंग एंड ओपासिटी का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके लाइटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इनेबल कर देना है। फिर आपको जो है इसका देखोगे कि इसका लेयर लास्ट तक नहीं पहुँच रहा, आपको इस पर क्लिक करना होगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेयर कर देना है। फिर पूरे लास्ट तक चल जाओगे, उस लेयर पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे इसका लेयर लास्ट तक आ जाएगा, फिर इसका बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट आपको इस प्रकार से कट कर देना होगा। सॉरी फ्रेंड्स मैंने गलत जगह क्लिक किया, यहाँ पे आपको ट्रिम टू लेफ्ट पे क्लिक करके इसका जो है इधर का पार्ट आपको कट कर देना है। फिर देखोगे कि आपका स्टेटस जैसा मैंने आप सबको प्रीव्यू में दिखाया था दोस्तों, उस तरीके से एडिटिंग करके बता दिया। आप अपने यहाँ पर जैसा पीएनजी ऐड किया था
उस प्रकार से आप लोगों भी अपना ऐड कर लीजिएगा। तो देख सकते हो जैसा मैंने आप सबको दिखा था उस तरीके से एडिटिंग करके बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरीके से वीडियो आप सबके लिए रोज लाता रहता हूँ। तो अभी आपको इसे सेव करने का प्रोसेस बता देता हूँ। ऊपर में इस एरो पे क्लिक करोगे, वीडियो के राइट साइड में इस एरो पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, नहीं तो आप एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे आपका वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।